अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ इन्फो विद बॉयज़। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं इसमें डिफरेंट लोगों के भी इंटरव्यूज़ लूँगा, और जब मुझे बहुत से कमेंट्स आना शुरू हुए कि यार आप यूटी के बारे में भी बनाया करो, हमेशा नस के बारे में बनाते हो, प्यास के बारे में भी बनाया करो, तो मैंने कहा यार मैं इतना अच्छा यूटी के बारे में तो नहीं एक्सप्लेन कर सकूँगा, तो क्यों ना यूटी के जिसने टॉप किया था, ज़ाहरी बात है उसे सबसे ज़्यादा पता होगा यूटी के बारे में। तो मैंने उससे पूछा, वो मेरा दोस्त है और मेरे साथ इस वक्त आया। स्पेशल थैंक्स मैं कहना चाहूँगा, मेरी एक रिक्वेस्ट पे इतनी दूर आया अहमद नवीद, मेरा दोस्त, और ये मेरे साथ नस्ट में ही होता है। इसने यूईटी में फैसलाबाद में टॉप किया था और इसके नंबर थे कितने, चलो यही सब कुछ बताएगा। सबसे पहले यार आप बताओगे आपके मैट्रिक में, FSC में, और ये जो था NET वगैरह, एंट्री टेस्ट वगैरह, इसमें कितने कितने नंबर थे? सबसे पहले मैट्रिक में बताओ। मैट्रिक में मेरे 1056 मार्क्स थे 1100 में से, और FSC में 1006 मार्क्स थे 1100 में से। अच्छा। UET का मैंने ECAT जब दिया तो 313 मार्क्स थे 400 में से, और NET मैंने तीनों बार टेस्ट अच्छा। दिया 1 और 2 में मेरे सेम मार्क्स थे 157 और 3 में 165 थे। अच्छा, तो यार ये एक सारे बच्चों की होती है कि किसी तरह 150 से ऊपर आ जाए नंबर, ठीक है ना? सारे बच्चे इसीलिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं। किसी के अगर पहले NET में 150 से ऊपर आ जाए तो वो छोड़ देते हैं बाकी NET, ठीक है, उन्हें पता होता है कि यार मेरा ना हो गया है। तो आपका क्या था इसके पीछे कि आपने दूसरा टेस्ट भी दिया और आपके 157 ही आए दूसरी बार, सेम आए, तीसरी बार आपका फिर यानी 165 आए, तो क्या मेरिट नंबर 1 पे आने का कोई इरादा था, कोई इस तरह का कोई इरादा था? नहीं, देखो NET के मार्क्स मैटर करते हैं। अब देखो अगर काफ़ी सारे बच्चों के मार्क्स ज़्यादा आ जाते हैं, मतलब समझो 160 से ऊपर आ जाते हैं, तो फिर 157 पे होना मुश्किल हो सकता था। होता तो नहीं है ऐसे, मगर हो सकता था, इसलिए भी मैंने दोबारा NET 2 और NET 3 में अप्लाई किया। और दूसरी बात, मैं टॉप 100 में भी आना चाहता था, उन्होंने स्कॉलरशिप रखा था टॉप 100 के लिए कि फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी ऑफ होती थी, मगर हमारी बार उन्होंने ख़त्म कर दी। वो असल में सीन ये था कि जो मेरिट पोजीशंस बनती हैं और जो फर्स्ट 100 मेरिट पोजीशन होती हैं उनकी ना फीस वेव ऑफ हो जाती है फर्स्ट सेमेस्टर की, तो इस साल नहीं हो सकी थी। तो मेरिट नंबर आपका 21 था ना? 20 था, मेरिट नंबर 20 था, तो ये टॉप 100 में आते थे। NET जो 1 था उसकी प्रिपरेशन आपने खुद की थी कि किसी कोई इंस्टीट्यूशन से की थी, NET 1 की और NET 2 की? किप्स ने अपना सितंबर में प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया था NET 1 और 2 की तैयारी करवाने के लिए, तो मैंने ज्वाइन कर ली। मैंने कहा अगर पहले ही हो जाता है तो अच्छी बात है, पेपर्स के बाद बंदा चिल करेगा आराम से, इसलिए NET 1। फिर वो सिर्फ सैटरडे और संडे क्लासेस होती थी और वो 6 माह क्लासेस चली थी, दरमियान में NET 1 और 2 हो गया, तो किप्स से तैयारी की है मैंने NET 1 के लिए और 2 के लिए भी। सर अच्छा अच्छा, तो अच्छा उसके बाद आपने NET 3 की तैयारी कहाँ से की? NET 3 के लिए स्टेप ज्वाइन किया था, मगर उसके लिए कोई खास तैयारी नहीं की, क्योंकि तैयारी मेरी पहले पहले की हुई थी और मार्क्स भी आए हुए थे, तो इतना ज़्यादा जोर नहीं लगाया दोबारा तैयारी पे, वैसे चिल हो गए। तो देखो आपने प्यास का भी दिया टेस्ट और उसके बाद आपने UET का भी दिया, UET में आपने टॉप भी किया, तो ज़ाहिर बात है उसके बाद प्यास में भी आए। प्यास में सुनने में आता है कि बहुत मुश्किल से एडमिशन मिलता है बच्चों को। उसके बाद आपने नस्ट का भी दिया, तो वाई नस्ट? देखो वैसे जब प्यास में भी हो गया और नस्ट में भी हो गया तो मेरे लिए एक बहुत डिफ़िकल्ट चॉइस थी कि मैं नस्ट में जाऊं या प्यास में जाऊं, तो फिर वो सोचा, इस्तखारा भी किया, लोगों से पूछा, दोस्त जो नस्ट जा चुके थे उनसे पूछा, जो प्यास जा चुके थे उनसे पूछा। फिर प्यास की तरह से थोड़ी मतलब पढ़ाई बेहतर है नस्ट से, मगर ओवरऑल सोशल लाइफ और सब कुछ देखा जाए तो नस्ट काफ़ी बेहतर है प्यास से, इसलिए मैंने भी नस चूज करना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बच्चे कुछ जो होते हैं वो शॉर्टकट्स लगा रहे होते हैं, यानी वो चाह रहे होते हैं कि जी हम FSC का ही पढ़ें और वही देख के जाएँ और उसी से हमारा एंट्री टेस्ट हो जाए। आपके ख्याल में यह प्रैक्टिस कितनी ज़रूरी है एंट्री टेस्ट के लिए? ये आप अकेला या FSC की तैयारी करके इसे FSC की जिस तरह करते थे उसी तरह के प्रैक्टिस भी चाहिए होती है? एंट्री टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है FSC से। अच्छा। FSC में तो आपको बुक के सवाल दिए हैं 10, उन्हीं में से आपको कन्फर्म पता है उन्हीं में से आना है, तो सिर्फ उनसे आपकी किसी एंटी टेस्ट की तैयारी नहीं हो सकती। एंटी टेस्ट में आपको जब तक कॉन्सेप्ट की पूरी तरह समझ नहीं होगी आप नहीं क्लियर कर सकते, मतलब तुक्के आपके लग सकते हैं उससे ठीक हो सकता है, वरना आप कॉन्सेप्चुअली क्लियर वैसे आप क्लियर नहीं करेंगे उसे। अच्छा, ये आपने कहा कि यानी आपको कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर होने चाहिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो हाँ ठीक है। तो अगर देखें कोई बच्चा कॉन्सेप्ट्स क्लियर है लेकिन वहाँ पे वो MCQs को देखता है और कॉन्सेप्ट्स की में बहुत ज़्यादा सॉल्व करने लग जाता है, बहुत टाइम लगा रहा है एक MCQ पे, और वो कहता है कि मेरे तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे लेकिन यार मैं तो फिर भी मेरा टाइम नहीं मैनेज हो सका, तो उसके लिए क्या यानी आप कहना चाहोगे? कॉन्सेप्ट के साथ साथ अब वहाँ लिमिटेड टाइम है तो उसके मुताबिक आपने एडजस्ट करना है कि आप उस टाइम के अंदर अपना टेस्ट मुकम्मल करो। अब
एनएटी है वो 180 एमसीक्यूज नहीं 200 एमसीक्यूज हैं 180 मिनट्स में, तो तकरीबन एक मिनट से थोड़ा कम टाइम है एक एमसीक्यू के लिए, और वो स्क्रीन भी ब्लिंक करते हैं जब आपके एक एमसीक्यू का टाइम गुजर जाए। तो आप अपने आप को एडजस्ट करो उसके मुताबिक। अगर आप अब एनएटी में मैथ और फिज़िक्स का मेजर पोर्शन होता है और ज़्यादा टाइम उन पर लगता है, तो अगर आप उन पे ज़्यादा अगर आप थोड़ा सा टाइम ज़्यादा उन पे लगा लो तो कोई मसला नहीं, आप केमिस्ट्री के ज़रा जल्दी कर लोगे, वो ज़्यादातर बुक की लाइंस ही आती हैं, और इंग्लिश के तो आपने ज़्यादा तुक्के ही मारने क्योंकि वो किसी को नहीं आते होते, और इंटेलिजेंस भी आप जल्दी कर लोगे। तो ज़्यादा मैथ और फिजिक्स पे अगर थोड़ा सा टाइम भी लग जाए तो पैनिक नहीं करना, बाकी तीन आपके जल्दी हो जाएंगे, और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। एक दो एमसीक्यूज अगर आपके गलत भी हो जाएँ या आपको लगता है आपको नहीं आते तो कोई मसला नहीं, 198 पीछे बच्चे भी होंगे, वो भी आपने करने, तो बस घबराना नहीं है पेपर। और यार दो टाइप्स के बच्चे होते हैं, एक कहते हैं कि हम अकेडमी ज्वाइन करेंगे, एक कहते हैं कि नहीं जी अकेडमीज़ वाले धोखा करते हैं, स्कैम करता है, हम अकेडमी नहीं ज्वाइन करेंगे, हम घर में प्रिपरेशन करेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि घर में प्रिपरेशन ज़्यादा सही है एंट्री टेस्ट वगैरह की, कि अकेडमीज़ ज्वाइन करना यानी एक ज़रूरी है और करनी चाहिए बच्चों को? देखिए ये सब बच्चे पे डिपेंड करता है, अगर बच्चे ने एफएससी में अच्छी तरह पढ़ा है और उसके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं तो अगर वो एकेडमी नहीं भी ज्वाइन करेगा तो एनईटी क्लियर कर सकता है। एनईटी में बुक से बाहर जो पीटीबी की बुक्स हैं इसके बाहर से बहुत कम आता है, मतलब कि आपने जो पाकिस्तान के सारे कोर्सेज हैं ना उन्हीं में से सब कुछ आता है, पर अगर आपने एफएससी में ही रट्टे मारे हुए हैं और ऐसे ही काम किया तो फिर आपका काम नहीं चलेगा, आप एकेडमी ज्वाइन कर लो। अकेडमी वाले पैसे कमाते हैं जाहिर सी बात है, पर वो उतनी मेहनत करते भी हैं, किप्स वालों की मुझे पता है बहुत फीस है मगर वो उसके मुताबिक मेहनत भी करते हैं। ये इसमें वो हो जाता है कि अगर लाइक अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है, अगर टीचर्स अवेलेबल होते हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, तो वो भी आ जाता है ना, और टेस्ट भी रोज़ होते हैं और आप मतलब आपकी तैयारी भी साथ साथ होती रहती है। टेस्ट में आपको जो एमसीक्यूज़ नहीं आते वो आपको टीचर बताता है, आप फिर जाके उनकी प्रैक्टिस भी करते हो, ज़्यादातर काफ़ी एमसीक्यूज़ आ जाते हैं क्योंकि वो पास पेपर से बने होते हैं। अच्छा, तो ये आप देखते होंगे हर यूनिवर्सिटी के टेस्ट का पैटर्न अलग अलग होता है, प्यास में इस बार इस साल जो था नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, वैसे नेगेटिव मार्किंग होती होती है, अब यूईटी में नेगेटिव मार्किंग होती है, एनएस में नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती, तो जिस यूनिवर्सिटीज़ में नेगेटिव मार्किंग होती है उनमें एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट करने का कोई डिफरेंट तरीका होता है, और जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती उनमें क्या कोई डिफरेंट तरीका होता है? देखें यूईटी में नेगेटिव मार्किंग है तो आप एमसीक्यूज़ और वो पेपर बेस्ड टेस्ट है, आप एमसीक्यू सॉल्व करें, जो आपको नहीं आता आप छोड़ दें, किसी पे टाइम ज़्यादा नहीं लगाना, अगर आपने टाइम ज़्यादा लगा दिया तो आप उसको सॉल्व करके आगे जाएं। अब एक एमसीक्यू आपको कंफर्म है यूईटी के टेस्ट में ईकैट में कि आपको नहीं आता तो आप वो छोड़ सकते हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, अगर आपको कन्फर्म है कि आपने गलत ही करना था तो फिर आप -1 से बच जाएंगे। प्यास में इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, टाइम काफ़ी था, 3 घंटों में सिर्फ 100 एमसीक्यूज़ थे, कैलकुलेटर भी अलाउड था, टेस्ट भी आसान था, तो उसमें आप सारे एमसीक्यू सॉल्व करें। और नेक्स्ट के टेस्ट में 200 एमसीक्यूज़ हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड जो इस्लामाबाद का टेस्ट है उसके होने की वजह से आपको थोड़ा टाइम बच जाता है कि आपने बबल कोई फिल नहीं करने होते, तो आप उसमें कोशिश करें सारे अटैम्प्ट करें, गलत कर देंगे छोड़ देंगे एक ही बात है, और उसमें आप कोशिश करें कि सवाल को अनअटैम्प्ट ना करें, अटैम्प्ट करके उसको रिव्यू कर दें, वो आपने एनईटी 1-2 अगर दिया तो आपको ऑप्शन पता होगी, अब अगर आप रिव्यू कर देंगे तो इन केस आपके पास लास्ट में टाइम नहीं बचता तो आपके अटेम्प्टेड होंगे, मतलब आके वो अनअटेम्प्टेड नहीं रहेंगे, इस तरह कर लें तो आप बेहतर है, अगर आप फिर आपको टाइम बचता है तो आप उनको दोबारा रिव्यू कर लें और फिर दोबारा सॉल्व। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं कि हम अकेडमी नहीं ज्वाइन करते तो हमारे पास बुक्स नहीं अवेलेबल होती हैं अकेडमीज़ की, और हम प्रैक्टिस नहीं ज़्यादा कर पा रहे होते, तो अगर प्रैक्टिस ना करो तो हमसे अटेम्प्ट नहीं होता, तो हम वो किस तरह से प्रैक्टिस करें, कहाँ से वो बुक्स लें और कहाँ से यानी सारी प्रैक्टिस वगैरह बुक्स वगैरह लें? आप लोग कोशिश करें कि अपने किसी सीनियर्स दोस्त किसी ऐसे से लेने की कोशिश करें, अगर फिर भी नहीं मिलती तो आप ऑनलाइन उन कंसेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करें। दूसरी बात, ऑनलाइन भी काफ़ी साइट्स हैं जो एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करवाती हैं, जैसे पाक प्रेप है और भी काफ़ी हैं, तो आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं, और कॉन्सेप्ट्स जब आपके क्लियर होंगे अच्छी तरह सारे तो आप कहीं ना भी तैयारी करें तो आपका हो जाएगा, आप घर में तैयारी करके भी कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने यानी नस में मैकेनिकल चूज़ की, तो अब अपनी फील्ड के बारे में थोड़ा सा बताएं कि आपने मैकेनिकल क्यों की, आपका शौक़ था और आगे आप क्या यानी कहना चाहते हैं फील्ड के लिहाज से कि फील्ड कौन सी रखनी चाहिए? फील्ड आपके अपने पर डिपेंड करता है, अब आपका जिस तरफ शौक़ है आप उस तरफ जाएं, घर वाले जो कहते हैं उनको समझाएं कि मेरा इस ये नहीं कर सकता, जो मैं करना चाहता हूँ मुझे वो करने दें। अब मेरा मशीन्स वगैरह में इंटरेस्ट था, घर में मैं ऐसी चीज़ों से पंगे लेते रहता था, तो मैंने मैकेनिकल में जाने का सोचा और मतलब मेरा शौक था इसलिए मैं इस तरफ आ गया, और मेरे घर वालों ने मुझे पे जोर लगाया था कि डॉक्टर की तरफ चल जाओ, इतने नंबर हैं, नंबर देख के तो डॉक्टर नहीं ना बनना, अब कुछ अब उस तरफ मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तो मैं कैसे बन सकता था डॉक्टर, इसलिए जिस तरफ आपको इंटरेस्ट है आप उस तरफ जाएँ,
अगर आपको मशीन ऐसी चीज़ों की तरफ इंटरेस्ट है तो मैकेनिकल कर लें, सर्किट्स और ऐसे मतलब प्रोग्रामिंग की तरफ है तो इलेक्ट्रिकल की तरफ जा सकते हैं, सीएस जैसे अब्दुल मीज़ भाई हैं यहाँ चले जाएँ अगर आपको प्रोग्रामिंग का शौक़ है, और अगर आपका नहीं आप बिज़नेस करना चाहते हैं उस तरह चले जाएँ, नस वाले वो भी करवा रहे हैं। थैंक यू अहमद नवीद यार फॉर बिकमिंग द फर्स्ट गेस्ट ऑफ इन्फो विद मोइस, और इतनी दूर आने का मेरे लिए थैंक यू। और ये फर्स्ट एपिसोड जो है वो ख़त्म होती है, ये यूईटी के टॉपर थे 2018 के फैसलाबाद के, एंड अल्लाह हाफिज़।